Hi everyone, welcome to Abhimu, जो हमारा टॉपिक है जो कि करंट से रिलेटेड है सी एस टी टी इट इज कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ठीक है इसके बेस के ऊपर आज का करंट अफेयर हमारा है बेसिकली अगर इसका मुद्दा हम समझना चाहें तो वो ये है कि जब हम अपनी साइंटिफिक बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी जिनका आ, उस लैंग्वेज के अंदर रीजनल लैंग्वेज के अंदर कोई टर्म ही नहीं होता राइट right? तो आप क्या करते हो उस टर्म को उस लोकल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट के अंदर लिख लेते हो लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश होती है स्क्रिप्ट आपकी रीजनल लैंग्वेज की होती है तो हम उस रीजनल लैंग्वेज का वर्ड भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं राइट सो क्या करंट अफेयर है टू द पॉइंट के अंदर आज का दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज नाउ रशिंग रशिंग फॉर वॉट रशिंग टू क्रिएट वोकेबलरी इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फॉर लैंग्वेजेस सच एज बोर्ड ओ संथली डोगरी इन टोटल हमारी टेन लैंग्वेज़ को फोकस किया हुआ है इस पर्टिकुलर मूव uh, के अंदर कि हम दस लैंग्वेज को फोकस करेंगे और उसके अंदर में हम uh, जो हमारी साइंटिफिक uh, टर्मिनोलॉजी है जो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको ट्रांसलेट करके जो है हम बुक्स uh, छापेंगे दूसरे लैंग्वेज़ के अंदर रीजनल लैंग्वेज के अंदर हमारी एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी विच इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो हजार बीस में जो आई है उसमें रीजनल लैंग्वेज के ऊपर बहुत खास फोकस है कि आप जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हो वो आपकी वर्नेकुलर रीजनल लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए वर्नैकुल वर्नैकुलर के अंदर पढ़ाने की बात जो हमारे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं वहाँ पे भी कई सारे कमीशन ऐसे हुए थे राइट राधा कृष्ण कमीशन इसके अलावा जितने भी पहले के कमीशन है इस चीज को एक्नोलेज किया है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन जब आप इंपार्ट करते हो राइट तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है और करनी चाहिए सेम चीज आपको एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर भी देखने को मिल रही है उसी के अंडर का ये एक मूव है जिसके अंदर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो है हम ट्रांसलेट करेंगे लगभग हर लैंग्वेज के अंदर पांच हजार वर्ड्स जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि पर्टिकुलर साइंटिफिक फिनोमिना को उस 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 भाषा भाषा के के अंदर उस के अंदर रीजनल क्या कहा जा सकता है क्या कहेंगे राइट right? चलिए आगे चलते हैं द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज क्रिएटिंग अ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इन टेन इंडियन लैंग्वेजेस अंडर रिप्रेजेंटेड इन लर्निंग लैंडस्केप राइट अगर आप इसको समझना चाह रहे हो ना कि एक्चुअल इशू क्या है तो जब आप ये वाले एग्जाम्स देते हैं हम लोग इसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर आप कोई भी और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जब पेपर घुमाते हैं तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है एक इंग्लिश में क्वेश्चन मिलता है और एक हिंदी में मिलता है राइट या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर जैसे पंजाब पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज के अंदर वो पेपर छपता है साथ साथ में वहाँ पर कुछ टर्म्स देखोगे जो एज़ इट इज इंग्लिश की उसमें लिखी होती हैं हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में लिखी होती हैं उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं नहीं पता राइट अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा उस रीजनल लैंग्वेज की किताब ही पढ़ रहा है राइट उसको कितनी ही अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उस टर्म की जो कि उसकी लैंग्वेज का ही नहीं है राइट तो ये है अंडर रिप्रेजेंटेड इन लर्निंग लैंडस्केप दीज टेन लैंग्वेजेस आर कौन कौन सी हैं? किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं बोडो संथली डोगरी कश्मीरी कोंकणी नेपाली मणिपुरी सिंधी मैथिली एंड संस्कृत अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो थोड़ी आपको टाइम हो गया है तैयारी करते हुए सो दीज आर दी दैंग्वेजेस ऑफ द ट्वेंटी टू आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हमारी हैं उनका ही ये पार्ट है राइट right? उससे बाहर नहीं है ये दस लैंग्वेजेस वही हैं राइट चलिए आगे देखते हैं अगेन यहाँ पे मैंशन भी है दीज आर पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द एथ शेड्यूल हाउ एवर देर इज अ पॉजिटिव ऑफ स्टडी मटीरियल क्रिएटेड इन दम राइट Primarily बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्ड्स जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपने एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाना है तो या तो आप स्टेयर्स लोगे सीढ़ियाँ, या फिर आप लोगे एलिवेटर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर आपको पता तो जरूर आप कमेंट्स में लिख के बताइए ये है लैंग्वेज की पॉसिटी ये है लिमिटेशन इसको दूर करने की बात हो रही है लैक ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब साइंटिफिक फिनमिना एंड टेक्निकल टर्म्स ठीक है जी

दिस इज द कोर्स फॉर फॉर योर प्री एज वेल एज योर मेन्स ये जो सीरीज है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टू द पॉइंट की ये आपकी जो वीडियो है ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए काम में आती है दिस इज द कोर्स जो प्री और मेन्स दोनों के लिए काम में आता है आपको सात दिन का फ्री ट्रायल मिलता है सात दिन का आपको फ्री ट्रायल है आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लेके देखिए थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के, के थ्रू आपका जो ये कोर्स है ये आपका करंट अफेयर कवर करता है नंबर यू गेट वीकली क्लासेस दो आपको क्लासेस मिलती हैं एक आपकी सैटरडे एक आपकी मंडे को जिसमें प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं जितने भी न्यूज पेपर इंडिया में आते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं यूपीएससी के लिए सब उसके अंदर कवर्ड होता है खासकर इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये रहती है कि इंपॉर्टेंट ही आपके पास आता है वो चीजें जो छोड़नी होती हैं वो भी क्लासे बताया जाता है कि छोड़ते कैसे है राइट कि आप जब करंट अफेयर कवर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट पार्ट निकालना तो फिर भी इजी है वो ऑलमोस्ट सबको आता है छोड़ना क्या है राइट right? कि ऐसी कौन सी चीज कुछ नहीं पढ़ना कि स्टैटिक में आप कवर करोगे उसको या वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है टाइम वेस्ट होएगा आपका उसके अंदर राइट सेकंड यू गेट वीकली पीडीएफ इन योर डैशबोर्ड अभी पीडीएफ के डैशबोर्ड पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगी हफ्ते की एक पीडीएफ रहती है हाईली क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर जिसके अंदर आपके सारे करंट अफेयर्स साथ लगती है आपकी स्टैटिक की रिसर्च भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सी एस टी टी के इस मूव की बात कर रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी डेवलप होने वाली है रीजनल uh, लैंग्वेज के अंदर अब सी एस टी टी है क्या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है क्या उसका मैंडेट है कब वो शुरू हुई थी इस टाइप की चीज आपको उसी पीडीएफ के अंदर जो है वंस वंस एंड फॉर ऑल आपका वो जो टॉपिक है पूरी तरह उसके थ्रू डन हो जाता है उस पीडीएफ के थ्रू नंबर थ्री यू गेट वीकली टेस्ट एज वेल तो इन दोनों के बेस के ऊपर आपका एक वीकली टेस्ट होता है जिसके अंदर ये टेस्ट देने के बाद आप आपका वेरीफाई हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं एंड आपका जो काम है वो इट इज़ सॉर्टेड आफ्टर दैट करंट अफेयर्स आपको तंग नहीं करेंगे सात दिन का फ्री ट्रायल है चेक इट आउट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी हम टू द पॉइंट के अंदर आगे चलते हैं और टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम बहुत प्रिसाइज फॉर्मेट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका प्रिपेयर करवा देते हैं सो so उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर वन हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा जब आप इस सीरीज को ढंग से फॉलो करेंगे तो मैंडेट इट्स मैंडेट टू इवॉल्व स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन ऑल India लैंग्वेजेस ठीक है इसका बेसिक सीधा सीधा फंडा यही काम है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मतलब शायद इस साल आए पेपर में या अगले साल या मतलब ये आपको किसी ना किसी पेपर में दिख जाएगा ये वाला सवाल इट ऑल्सो पब्लिश क्वार्टरली named विज्ञान गरिमा सिंधु एंड ज्ञान गरिमा सिंधु ये आपका सी एस टी टी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ये आपका ये दो जर्नल्स पब्लिश करता है ठीक है कौन कौन से विज्ञान गरिमा सिंधु एंड ज्ञान गरिमा सिंधु इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी वन बाई अ प्रेजिडेंशियल ऑर्डर इशूड अंडर आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर क्लॉस फोर ऑफ दिट्यूशन इंडिया आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर डील विद कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है ये स्टैटिक का पार्ट है ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर शायद नहीं भी पूछा जाए पूछा जाएगा तो आर्टिकल 344 के अराउंड कोई सवाल घूम के आ सकता है एक्टिवेट इस टॉपिक के थ्रू हुआ है बहुत मुश्किल है इसको जज करना कि किसके थ्रू एक्टिवेट हुआ होगा पर दिस इज दी टॉपिक जिसके थ्रू ये ये वाला आर्टिकल एक्टिवेट हुआ है और अगर सवाल आया तो यहाँ से आएगा वो इट फंक्शन इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑब्वियसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेडक्वार्टर्स क्वार्टर कहाँ पर न्यू दिल्ली ये इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि रीजनल एग्जाम के अंदर शायद से पूछा जा सकता है बहुत कम चांसेस हैं अब उनके भी स्टैंडर्ड थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में एट पार विद यूपीएससी है ना तो ये जो सीरीज है अगेन आपको रीजनल एग्जाम्स के लिए भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है अगेन सम स्टैटिक पार्ट मैं ज्यादा इसको कवर नहीं करूँगा आपको पता ही है ये जो हमारी लैंग्वेज uh, हैं वो किस में आती हैं लिस्ट हैंट शेड्यूल के अंदर आती है है ना और वो कौन कौन सी है ये बाईस लैंग्वेजेज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर सवाल बन सकता है 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना सिंधी ऐड हुई उसके बाद में 1967 के अंदर देयर आफ्टर थ्री मोर लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड कौन-कौन सी कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली कब 1992 में और सबसिक्वेंटली बड़ो डोगरी मैथिली संधली राइट ये कब ऐड हुई है 2004 में है ना तो हमारी करंट कितनी लैंग्वेजेस है बाईस लैंग्वेजेस है अगेन जिनको तैयारी करते हुए थोड़ा टाइम हो गया उनके लिए तो ये स्लाइड कुछ भी नहीं है जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये स्लाइड को इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दिया इसके ऊपर राइट चलिए आज के लिए इतना ही है इसके अंदर आ, सेंटर के ऊपर सवाल आ सकता है या फिर जो आपके सवाल हैं वो इसी मेन्स के अंदर थोड़े से रिवॉल्व हो सकते हैं मेंस के अंदर हम थोड़ा अलग तरीके से कवर करते हैं इसी करंट अफेयर को जब क्लास में किया था तो हम थोड़ी और इसको अलग एंगल से हमने अप्रोच किया था टू द पॉइंट के अंदर फिलहाल इतना ही है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू वॉचिंग अभिमन यू आई